आपका नाम? देवेंद्र धांगी। और आपके मार्क्स कितने आए हैं? मेरे 86 हैं। 86 मार्क्स है सर के। तो चलिए जानते हैं, पहले तो जीएस से शुरू करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन। जीएस में हिस्ट्री से तो अपन अकबर का ले लेते हैं। अकबर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध। और ये सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है? और ऐसे एक बैंक से भी था। बैंक के बाद वही 30-35 यानी कि 65 नंबर की मैथरीजिंग परमानेंट आ रहा है। की मैथरीजिंग। अच्छा, कोई फुल फॉर्म पूछा था जैसे कि या फिर कोई योजना पूछी हो? हाँ, एक मुखबंदी पूछी 2020 में उसका कितना बजट था। 2020 में उसका कितना बजट था। इसके अलावा हिस्ट्री में अकबर वगैरह से रिलेटेड ये युद्ध हो गया, नदी हो गई, और कोई क्वेश्चन आपको ध्यान आ रहा हो? और क्वेश्चन इकोनॉमिक से क्वेश्चन? इकोनॉमिक से एक क्वेश्चन था पर याद नहीं है। याद नहीं है। अच्छा, एमपी जी के लगभग कितना पोर्शन है? एमपी तो बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का? साइंस में ऐसे फिजिक्स में फिजिक्स का था, ऐसे घर्षण के बारे में था, ठीक है। और बायोलॉजी में तो जंतु जगत था, और एक प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ परसेंट, प्लाज्मा आया था, कितना प्लाज्मा परसेंटेज रहता है प्लाज्मा का था, ये क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा और कोई साइंस में क्वेश्चन ध्यान आ रहा हो? साइंस में नहीं, साइंस में ध्यान क्वेश्चन नहीं, लेकिन साइंस के भी कोई एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थे। हाँ, एक क्वेश्चन था एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन था। यदि देवेंद्र अपन मैथ की बात करते हैं तो मैथ में सबसे पहले यदि अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया? जैसे ज़्यादातर अर्थमेटिक ही के क्वेश्चन थे अपने, अर्थमेटिक के क्वेश्चन से। अर्थमेटिक में SI CI से मेजर पार्ट कितना क्वेश्चंस पूछा गया? CI से कम से कम 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन CI से देखने को मिले। उसके अलावा सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन से। और उसके अलावा SCF LCM से दो क्वेश्चन SCF LCM से। उसके अलावा यदि अपन बात करें एज की, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, क्या आज के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं मिला। चलिए, इसके अलावा एडवांस मैथ में मेंसुरेशन में कोई क्वेश्चन देखने को मिला? दो तीन क्वेश्चन मेंसुरेशन के थे, 2-3 क्वेश्चन। क्या ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, इससे कोई क्वेश्चन नहीं थे, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए, इसके अलावा अपन बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग से मेजर पार्ट जो आज इस टाइम आ रहा है मिरर, क्या मिरर से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? मिरर से वही 5-5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अपन को, 5-6 क्वेश्चन देखने को मिला रेगुलर। इसके अलावा क्लॉक कैलेंडर से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं था। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? कितने, 1-2 क्वेश्चन थे बस, 1-2 क्वेश्चन। और इसके अलावा सीरीज से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? सीरीज से तो हर वो पेपर में आ रहा है, दो तीन तो आराम से आ जाते हैं। इसके अलावा मिसिंग नंबर से? मिसिंग नंबर थे, कथन निष्कर्ष भी 2-3 अपने पास थे, और वो एक कथन दे के 2 निष्कर्ष पूछ लेते हैं, वो भी थे दो तीन यानी कि वही 60% नंबर का वेटेज रहता है। अच्छा, इसके अलावा THD की बात करें, अर्थमेटिक में टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, उसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला? टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड बर्क, पाइप टैंकी, इसमें कोई क्वेश्चन देखने को मिला? प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन देखने को मिले थे आपको? प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन था सिर्फ, एक क्वेश्चन देखने को मिला। उसके अलावा परसेंटेज से भी एक ही क्वेश्चन था। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद देवन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 86 नंबर लाने के लिए। थैंक यू। मैम, आपका नाम? सलोनी खार। मार्क्स कितने आए? 71। ओके, तो जीके जीएस में क्वेश्चन बताओगे कैसे आए हैं? जीके जीएस के क्वेश्चन आज बहुत टफ थे। तो टफ क्वेश्चन का बता दो कि ये क्वेश्चन आया था टफ। हाँ, मतलब साइंस में 5-6 क्वेश्चन थे, एमपी के एक दो ही थे। क्वेश्चन ध्यान है कोई से? नहीं, क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज के जरूर 3-4 क्वेश्चन थे, और CISI के भी थे। प्रॉफिट लॉस के एक ही आया था। हाँ, और मिरर इमेज हाँ, मिरर इमेज को बहुत क्वेश्चन आए थे, 4-5 क्वेश्चन। ध्यान नहीं आपको जीके जीएस में कोई सा? नहीं मैम। थैंक यू। मैम, आपका नाम? प्रीति शर्मा। मार्क्स कितने आए? 62। मैम, क्वेश्चन ध्यान है आपको जीके जीएस के? एक सिंधु नदी मतलब कहाँ से प्रवेश करती है, और एक नदी का था जो कौन से मतलब मिलती हैं, जहाँ पे जगह पूछा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और हिस्ट्री से भी थे 3-4 क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान है आपको हिस्ट्री के? जैसे किसी वंश का संस्थापक पूछा हो या संस्थापक पूछा था एक, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्वेश्चन। और CISI से भी बहुत थे क्वेश्चन, मतलब 5-6 क्वेश्चन होंगे CI से, और भी थे। मेरा साल का CI था, 3-4 साल 3-4 साल कैलकुलेटिव था, लेकिन CI के क्वेश्चन। लगभग कितने क्वेश्चन होंगे मैथ्स के? वही 65 के। CISI एक टॉपिक इससे ज्यादा आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन होंगे? प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन। परसेंटेज से? 1-2 क्वेश्चन थे। एज से? ऐसे एक भी नहीं था। टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क से एक था क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम से नहीं था, इससे नहीं थे। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एक था, बेलन से था, बेलन से का था। आयतन मतलब जैसे दिया था छोटा और बड़ा वेतन, उनमें से उनका उसकी पर वो पूछा था कितना आयतन का बनाया है वो। और रीजनिंग में मिरर इमेज, वाटर इमेज वगैरह कुछ? हाँ, वाटर इमेज थी, मतलब 5-6 क्वेश्चन थे वाटर इमेज के रीजनिंग में।
और कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी काफी आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस में कोई क्वेश्चन ध्यान है? साइंस का क्वेश्चन, हाँ एक ये पादप जगत से था, मतलब पादप जगत, हाँ मैम। और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या पूछा था? केमिस्ट्री से नहीं थे क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से थे एक दो क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन ध्यान पर है? क्वेश्चन मतलब क्या है, एग्जाम से निकले तो एकदम याद नहीं आ पा रहे क्वेश्चन। कोई बात नहीं, थैंक यू। आपका नाम? मैम साहिल चावड़ा। मार्क्स इतने आए? मैम 49। और सर आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र है। मार्क्स इतने आए? मार्क्स नहीं बता सकता। ओके चलो कोई नहीं, क्वेश्चन बता दो जीके जीएस के। मैम इसलिए नहीं बता सकता मार्क्स, क्योंकि रिश्तेदार गाना बंद कर देंगे, गाना अगर मार्क्स दिक्कत। ओके कोई बात नहीं, बढ़िया नंबर तो ठीक है। जैसे कि जीके में एक क्वेश्चन आया था कि सिंधु नदी मतलब कहाँ से वो प्रवेश करती है, हाँ तो उसमें ऑप्शन 3-4 दिए थे उन्होंने, उसमें से एक था वो, एक ले दिया था, एक उत्तराखंड दिया था, एक हिमाचल प्रदेश दिया था, तो उसका उत्तराखंड था, और एक था अलकनंदा, और एक और दो रिवर है वो दोनों का संगम होता है ना, वो एक था, उसमें ऑप्शन दिए थे उन्होंने वो हरिद्वार, ऋषिकेश और देवप्रयाग, और एक क्वेश्चन था कि अकबर ने हेमू को कौन से मतलब वो, हाँ वो उसमें सेकेंड था, और एक था ANBP मतलब ये फुल फॉर्म है, ये अभी 2020 में एक एक्ट लागू हुआ था, तो इसमें सरकार ने कितनी बजट दी थी मतलब लिमिट, हाँ हाथ पे क्वेश्चन लिख के लाए हो, चेक करने के लिए लाए थे मैम ताकि गलत अच्छा। नहीं निकले, और रीजनिंग तो सबसे सिंपल थी, मतलब उन्होंने अगर आपने ए से जेड तक आपको ABCD आती है और ए से मतलब वो नंबरिंग आती है तो आप यूँ ही कर सकते हो रीजनिंग तो। अच्छा साइंस में कोई क्वेश्चन ध्यान है आप? हाँ साइंस में है ना मैम, वो कॉकरोच वाला था, कॉकरोच में मतलब उसका, हाँ उसके जो श्वसन तंत्र वगैरह कहाँ से करता है वो, उसके ऊपर श्वसन कहाँ से करता है, और एक मिल्क वाला था कि मिल्क की ऐसे कुछ पूछा था मतलब मैग्नीशिया नहीं, उसमें वो ऑप्शन में ये पता है न्यूट्रलाइजेशन और एक और कुछ था ऐसा, पाश्चराइजेशन, हाँ पाश्चराइजेशन, पाश्चराइजेशन से रिलेटेड था, दूध का पाश्चरीकरण कैसे होता है। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? वो डिविजिबल वाले और एक दो वो केमिस्ट्री से ये भी पूछे थे मतल यूनिट पूछी थी फिजिक्स से, फ्रिक्शन का एक वो कुछ पूछा था उन्होंने, मतलब पूरा तो पता नहीं है पर फ्रिक्शन से याद नहीं है, याद नहीं है। अच्छा इसके अलावा मैथ्स में बताओगे कैसे क्या है? मैथ्स तो मैम सिंपलीफाई डायरेक्शन वगैरह सबसे ज्यादा डायरेक्शन थी इस बार, डायरेक्शन मैम मैथ्स में अधिकतर क्वेश्चन ये थे कि ये लड़का है 2 किलोमीटर दाएं गया, फिर 3 किलोमीटर इधर गया, फिर 4 किलोमीटर इससे, हाँ बस 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 इससे रिलेटेड कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन यही पूछ रहे थे। CI के कितने होंगे? CI के उसमें 3 के समथिंग प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस भी थे, परसेंटेज, हाँ थे इसके नॉर्मल था परसेंटेज का, तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ज्योमेट्री के नहीं मेंसुरेशन का था उसमें, ठीक है थैंक यू।